अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। यह ध्यान साधना में जपने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका जाप से मन शांत होकर परम सुख का अनुभव करता है। इस मंत्र का अर्थ है, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब आत्मा की अमरता की याद दिलाते हुए अपने मौलिक ग्रंथ विजक में कहा है, कहो अमर का सो लागा। हे अविनाशी आत्मा चेतन, तू किसमें आसक्त हो रहा है? जिसमें आसक्त हो रहा है वह नाशवान है और तू अविनाशी है। अन्यत्र सद्गुरु कबीर और कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मनुष्य मथुरा काशी काबा भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लित्य आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात यह आत्मा जीव को न शस्त्र काट सकता है, न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे पानी गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकता है। भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन्याम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य स्वासतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्मता है न मरता है, यह उत्पन्न होकर पुनः अस्तित्व में आने वाला नहीं होता है, अपितु यह नित्य स्वतः सत्ता वाला अजन्मा शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरता। तो आइए हम फिर मंत्र जाप करें, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनोपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनोपम। तो हम अपनी आत्मा को जानकर सारे विकारों का प्रत्याग कर
अपने स्वरूप में अपनी आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करें। इससे सारे दुखों का अंत होगा, परम सुख स्थाई शांति मिलेगी। इससे बढ़कर उपलब्धि दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।